हेलो ऑटोफिक्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटोफिक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन के बारे में। वैसे कि एक कार को बिल्ड करने में सबसे महंगी चीज जो लगती है या फिर सबसे ज्यादा मेहनत जिसमें लगती है वो आती है इंजन को बनाने में, क्योंकि उसमें काफी सारे रिसर्च और डेवलप करने में काफी सारी चीजों का उपयोग होता है। इसलिए ही एक इंजन को डेवलप करने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसलिए ही समय को बचाने के लिए और बहुत सारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत सारे कार मेकर्स आजकल अपने पावर ट्रेन को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे कार ब्रांड्स के साथ और सेम इंजन या सेम मोटर यूज करते हैं अलग अलग डिफरेंट कार्स में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही इंजन के बारे में बात करेंगे जो दूसरे ब्रांड की कारों में भी दिखते हैं, और कौन कौन से ऐसे इंजन हैं और वो कौन कौन सी कार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटोफिक्शन। नंबर वन, हुंडई अल्काज़ार एंड किया सेल्टोस और बहुत सारी कार जो कि इंजन यूज करती हैं 1.5 लीटर का डीजल इंजन। हाँ जी, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो हुंडई और किया ने मिलकर ही डेवलप करा होगा, क्योंकि दोनों ही एक कंपनी है। तो इनका ये जो एकलौता डीजल इंजन है 1.5 लीटर का, वो इंजन बहुत सारी कार्स में यूज होता है। जैसे कि हुंडई अल्काज़ार जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है उसमें भी यही सेम इंजन है, और किया की सेल्टोस या फिर हुंडई की क्रेटा या फिर किया की सोनेट या फिर हुंडई की वेन्यू, जितनी भी ये डीजल वाली कार्स हैं इनमें सेम इंजन ही यूज होता है। और ये टोटल हो गई 5 गाड़ियां, यानी कि हुंडई अल्काज़ार, हुंडई क्रेटा, हुंडई वेन्यू, किया सेल्टोस और किया सोनेट, इन सब में सेम ही इंजन यूज करा जाता है। वैसे अभी जो हाल ही में हुंडई अल्काज़ार लॉन्च हुई है उसमें उन्होंने 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डीजल इंजन की, 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। और यही सेम इंजन आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी कार में यूज होता है। नेक्स्ट, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं टाटा की। टाटा की जो ये 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो इनकी टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोज में यूज होता है। और बहुत सारे ऑटोमेकर्स दुनिया भर में पावर ट्रेन एक्सचेंज कर ही रहे हैं, बल्कि खुद आपस के ब्रांड की कारों में भी एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि अपनी सेम गाड़ियों में भी एक सेम इंजन देकर दे रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट सेगमेंट में क्यों ना हो। जैसे कि नेक्सॉन एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक है, लेकिन उन दोनों में सेम इंजन यूज होता है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। और ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर MPI टर्बो पेट्रोल इंजन, तो ये इंजन अल्ट्रोज के अंदर 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, और सेम यही इंजन नेक्सॉन के अंदर 120 PS की पावर जनरेट करता है, क्योंकि इसे नेक्सॉन में अलग तरह से ट्यून कर रखा है जिससे इसकी 20 PS की पावर बढ़ जाती है। नंबर 3, नेक्स्ट बात करते हैं हम 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की। हाँ जी, ये इंजन बहुत ही ऑर्डिनरी व्हीकल में यूज होता है और एक लग्जरी कार में भी। हाँ जी, निशान की किक्स और मर्सिडीज बेंज ए क्लास 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ये दोनों कारों में यूज होता है, और निशान की किक्स और मर्सिडीज बेंज ए क्लास दोनों सेम इंजन यूज करती हैं। तो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज तो यही हुई कि इन दोनों गाड़ियों में सेम इंजन देखने को मिलेगा, चाहे आप इतने 35-40 लाख रुपए खर्च करके मर्सिडीज की एक ए क्लास ले लो या फिर निशान की किक्स जो 15-20 लाख में आपको मिल जाएगी वो ले लो, उन दोनों गाड़ियों में आपको एक सेम ही इंजन मिलेगा, 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। डायमलर, निशान और रेनॉल्ट तीनों ने मिलकर ये डेवलप करा था सुपर पावरफुल इंजन, और इस स्मॉल 1.3 लीटर इंजन से आप जनरेट कर सकते हैं 154 PS की पावर और 254 Nm की टॉर्क। नंबर फोर बात करते हैं हम 2.0 लीटर के टर्बो डीजल इंजन की। हाँ जी, एक ऐसा इंजन जो बहुत सारी कार्स में यूज होता है, जैसे कि सेम हुंडई की और किया की गाड़ियों में यूज होता है, ये इंजन बहुत सारी SUVs में यूज होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं MG हेक्टर, टाटा सफारी, टाटा हैरियर और जीप कंपस। तो जब BS6 नॉर्म्स लागू हुए थे हमारे इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पर बहुत सारी कंपनीज ने अपने डीजल इंजन बंद कर दिए थे, क्योंकि उस BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डीजल इंजन डेवलप करने में काफी सारी रिसर्च लगना था और काफी सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो इसलिए ही दूसरी कंपनीज ने ऐसा करा कि जिसके पास डीजल पावर ट्रेन था उनसे अपना डीजल पावर ट्रेन ले लिया और अपनी गाड़ियों में यूज करने लगे। टाटा सफारी, टाटा हैरियर, MG हेक्टर और जीप कंपस, इन चारों गाड़ियों के अंदर आपको एक सेम ही डीजल इंजन मिलेगा, 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, और ये बनाया जाता है फिएट की तरफ से, और फिएट ही ये इंजन प्रोड्यूस करती है और डेवलप करके इन सब कंपनीज MG, टाटा और जीप को देती है। नंबर 5, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, स्कोडा कुसाक एंड फॉक्सवैगन टाइगून। तो बात करें जर्मन कार मेकर्स की तरफ से, तो इनकी दो गाड़ियां आती हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई, और ये दोनों गाड़ियां सेम पावर ट्रेन यूज करती हैं। वैसे ये डिफरेंट ब्रांड है, स्कोडा है
और फॉक्सवैगन है, लेकिन ये सब आती है फॉक्सवैगन के अंडर ही। जैसे कि फॉक्सवैगन बहुत सारी कंपनीज का मालिक है, ऑडी, लंबोर्गिनी और बहुत सारी कंपनीज। तो स्कोडा कुसाक और फॉक्सवैगन टाइगून के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा। वैसे अभी फॉक्सवैगन टाइगून ने अपने इंजन को डिस्क्लोज नहीं करा है कि उसमें कौन सा इंजन होने वाला है, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके अंदर आपको वही स्कोडा कुसाक वाला इंजन देखने को मिलेगा। वैसे अगर बात करें स्कोडा कुसाक की, तो इसमें दो इंजन आते हैं, एक टर्बो पेट्रोल इंजन, एक 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, और नेक्स्ट आती है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि यूज होता है टोयोटा इनोवा और टोयोटा फॉर्च्यूनर में। हाँ जी, टोयोटा इनोवा और टोयोटा फॉर्च्यूनर एक अलग ही डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ियां हैं और एक सेम कंपनी की गाड़ियां हैं, एक है एमपीवी और एक फुल साइज एसयूवी। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 2.7 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि रियर व्हील्स को ड्राइव करता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 165 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 7, टाटा अल्ट्रोज और टाटा टियागो। जैसे कि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन नेक्सोन और अल्ट्रोज में यूज होता था, ऐसे ही एक 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन जो यूज होता है टाटा टियागो और टाटा अल्ट्रोज में। हाँ जी, ये सेम इंजन टियागो, जो कि इससे लोअर वेरिएंट है अल्ट्रोज से, उस गाड़ी में यूज होता है, और इस प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक में भी अल्ट्रोज के अंदर भी 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यूज होता है। ये 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 86 पीएस की पावर और 130 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और दोनों ही इंजन सेम स्टेट ऑफ ट्यून के साथ आते हैं, यानी कि दोनों गाड़ियों में सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं और सेम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 8, निसान मैग्नाइट एंड रेनॉल्ट काइगर 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। रेनॉल्ट एंड निसान दोनों ही डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, जो कि इनकी कार्स के अंदर भी दिखाई देती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोनों ही एक सेम ऑटोमेटिक ग्रिप का हिस्सा है, वैसे ही जो इंडिया में लॉन्च करी इन्होंने हाल ही में ही निसान मैग्नाइट एंड रेनॉल्ट काइगर, इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और ये इंजन दोनों कार्स के अंदर सेम पावर प्रोड्यूस करता है, 100 पीएस की मैक्सिमम पावर और 160 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। नंबर 10, ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस एंड ह्युंडई वर्ना 1.0 लीटर जीडीआई इंजन। बात करें अगर कोरियन ऑटो जायंट की तरफ, यानी ह्युंडई की तरफ, तो इनकी हैचबैक है ग्रैंड आई10 नियोस और दूसरी एक सी सेगमेंट की सेडान वर्ना, दोनों के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है। हां जी, आप चौंक गए होंगे थोड़ा तो। हां जी, ह्युंडई वर्ना एंड ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस के अंदर आपको सेम इंजन मिलेगा, 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन ये इंजन दोनों कार्स के अंदर डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून्स के साथ मिलेगा, यानी इनकी ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट करके दे रखी है। जो वर्ना में इंजन है, यही सेम इंजन, वो प्रोड्यूस करता है 120 पीएस की मैक्सिमम पावर और 172 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क। और अगर बात करें ग्रैंड आई10 नियोस के इंजन की, जो ये सेम इंजन प्रोड्यूस करता है 100 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 10, रेनॉल्ट क्विड एंड रेनॉल्ट ट्राइबर 1.0 लीटर इंजन। अब तक आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे कार मेकर अपने पावर ट्रेन शेयर करते हैं अपने डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, तो ऐसे ही सेम इस कंपनी ने भी करा है, यानी 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि रेनॉल्ट क्विड और रेनॉल्ट ट्राइबर में भी यूज होता है, और इन दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यही सेम इंजन दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंट पावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रेनॉल्ट क्विड के अंदर ये प्रोड्यूस करता है 67 हॉर्स पावर और 91 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और यही सेम इंजन ट्राइबर के अंदर प्रोड्यूस करता है 71 हॉर्स पावर और 96 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, क्योंकि इसको ट्यून थोड़ा अलग तरीके से करा गया है ड्राइवर के अंदर, जिसकी वजह से ये ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।